मथुरा में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मामला कोसी कला थाना क्षेत्र के बठेन कला गांव का है, जहां एक कलयुगी माँ ने अपने 10 साल के दिव्यांग बेटी की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। इस घटना से परिवार में मातम पसरा है, तो वहीं पड़ोसियों में दहशत का माहौल है। आज कोसी कला थाना के बठेन कला गाँव में एक युवती तथा उसके बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई थी। मौके पर जाकर के तहकीकात की गई तो ये पता चला कि बच्चा जो है विकलांग था तथा उसकी माँ भी डिप्रेशन में थी, और ये पता चला कि वहाँ पर रात में माँ बेटी ही अकेले घर में थे, तो युवती के द्वारा जो है अपने बेटे को एक डंडे से मार करके उसकी मृत्यु कारित की गई तथा स्वयं भी फांसी से लटक गई। इसके संबंध में तत्काल ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा। सूचना मिलने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला का शव कमरे से बरामद हुआ, जबकि बेटे का शव पानी की टंकी में मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे घटना में हत्या का शक मृतक मां पर जताया। पुलिस के मुताबिक मां ने पहले डंडे से बेटे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को पानी की टंकी में डाल दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। काफी समय तो दवाई चल रही है। किस चीज की? दिमाग की। हाँ। और बच्चे की? बच्चा विकलांग था। हाँ। बच्चे की उम्र कितनी होगी? 13 साल। बच्चे के ही चक्कर में जी वो तो मैं बताऊँ बात थोड़ी सी ऐसी है जाई, बच्चे तो ही परेशान। उम्र के कितने बच्चे हैं? उम्र की दो लड़की है, एक लड़का। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जैसे आपने देखा है खून वून पड़ा हुआ है चारों तरफ, बिस्तर पे भी खून पड़ा हुआ है, जमीन पे भी पड़ा हुआ है? अब जी पतो ही ना, वैसे तो हमारी बहन की कायते यहाँ तो लड़ाई ना ही, सब बढ़िया बता रहे हैं। मकान में अभी कोई 20 दिन पहले आई तो सब ने कही मेरे पड़ोस सब बढ़िया है। साल भर और की तो जी ना। कितने दिन पहले आए थे मकान में? इसमें साल भर भी ना हुई है। एक साल पहले, इससे पहले कहाँ रहते थे? बाहर मकान। वही परिजनों का कहना है की मृतक माँ काफी समय से मानसिक रूप से बीमार थी और नाबालिग बेटी की वजह से भी परेशान थी। घटना की रात घर में सिर्फ माँ बेटी ही थे। घटना के दौरान मृतक महिला का पति ससुराल गया था, घर में महिला अपने बेटे के साथ अकेली थी। मानसिक रूप से बीमार होने के चलते पुलिस को शक है कि माँ ने ही बेटे की हत्या की और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, तो वहीं आसपास के लोग दहशत में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।